से जुड़ी फाइलों के गायब होने के मामले को लेकर संसद में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने पूरे मामले में पीएम से पूछताछ की मांग की। भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कोयला घोटाले पर बीजेपी सरकार को घेर रही है। इसी मुद्दे पर मेरे सहयोगी राकेश ने बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद से खास बातचीत की। कोलगेट मामले में गतिरोध बना हुआ है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद जी, प्रधानमंत्री ने कल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन गतिरोध जारी है। सवाल है उत्तरदायित्व का, अगर प्रधानमंत्री सच्चाई नहीं बोलेंगे, वो मिसिंग फाइल की सच्चाई को नहीं स्वीकारते, दो दिन पे जबकि एक दिन पहले अटॉर्नी जनरल ने कोल सेक्रेटरी को लिखा है कि इतनी फाइलें नहीं मिल रही हैं, सीबीआई मांग रही है। ये सारी फाइलें उस समय की हैं जब वो कोयला मंत्री थे 2006-09 में। ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और रसूख वाले नेताओं के संबंधित कंपनियों की फाइलें हैं। अब तो सीबीआई उनसे सवाल पूछने की बात कर रही है। अगर इसमें प्रधानमंत्री इस तरह के जवाब देते हैं तो बिल पास करेंगे, रात के 12 बजे तक हम बैठते हैं। लेकिन ये सरकार अपने जवाबदारी से भागेगी तो ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री देश से बाहर हैं तो फिर जवाब? सरकार तो अंदर है, सरकार का काम है। लेकिन सरकार चाहेगी खाली हम बिल पास कराएं और उनके भ्रष्टाचार पर मौन स्वीकृति करें तो संसद का ये काम नहीं है। हमारा ये दायित्व बनता है कि देश के हित में हम गंभीर सवाल उनसे उठाएं। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, बंजारा के पत्र को लेकर इसमें मुझे कोई गंभीरता नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ये कांग्रेस का एक षड्यंत्र है, उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मामला काफी गंभीर है और इस मुद्दे को बीजेपी लगातार उठाएगी। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।